हाय जीनियसेस, वेलकम टू द चैनल साइंस विजर्ड। और इस चैनल में हम सिक्स सेवेंथ एट्थ की साइंस पढ़ेंगे और नाइन्थ और टेंथ की केमिस्ट्री। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास सेवन का चैप्टर सिक्स है, फ्लो ऑफ हीट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेसेसरी कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द हीट टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो देयर इज वन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक to show the heat flow from a body at a higher temperature to the one at the lower temperature. तो इसका मतलब कि जब भी हीट फ्लो होती है, ओके, सो हीट होगी हमेशा फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ओके। और कहां से कहां हीट फ्लो होगी? जिस बॉडी का हायर टेम्परेचर है वहां से उस बॉडी में फ्लो होगी जिस बॉडी का लोअर टेम्परेचर है। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो टेक सम हॉट वाटर इन अ टम्बलर। सो यहाँ पे उसने ग्लास लिया है, इसमें गर्म पानी लिया है। डिप अ मेटल स्पून इन दिस वाटर फॉर सम टाइम। और आपको आपका मेटल स्पून लेके इस गर्म पानी में डिप करना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ स्पून टू बिकम हॉट फॉर यू टू फील अनकंफर्टेबल टू होल्ड इट एनी मोर। सो जैसे ही आप इसको गर्म पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो चम्मच है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे उसके बाद। This shows that heat is transferred from the hot water in the tumbler to the spoon and then to your hands. So, ये क्यों possible है? आप क्यों नहीं स्पून को hold कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका hand directly hot water के contact में नहीं है, but फिर भी आप स्पून को hold नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कि ज्यादा temperature कहाँ है? Water का temperature ज्यादा है और स्पून का temperature कम है। तो पहले जो heat है वो transfer करेगी from water to the metal spoon। और जैसे ही हीट ट्रांसफर करेगी मेटल स्पून में तो यहां पे मेटल स्पून का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और आपका जो हैंड का टेम्परेचर है वो कम है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द मेटल स्पून। सो फिर जो हीट है वो मेटल स्पून से आपके हैंड में ट्रांसफर करती है, फ्लो करती है। सो दिस मीन्स दैट कि द हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। और फिर उसके बाद स्पून का टेम्परेचर हायर हो जाएगा, आपके हैंड का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर से जो हीट है वो फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा जब भी आप गर्म पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो जो है पानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, पहले वार्म होता है और फिर वो कूल हो जाता है। सो व्हाई डज इट सो? बिकॉज जो आपका पानी है, गर्म पानी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और आपके एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कम है। तो जो हीट है वो आपके वाटर से निकल के, हॉट वाटर से निकल के आपके एटमोस्फेयर में कब तक ट्रांसफर होगी? वो तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। सिमिलरली यहां पर भी जो हॉट वाटर है वहां से हीट कब तक इस स्पून में फ्लो होगी? जब तक कि स्पून और वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम नहीं हो जाता। सो इस ढंग से जो हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो हीट के फ्लो करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि देयर शुड बी द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज। दो बॉडीज होनी चाहिए, दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि दोनों बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। सो इन बोथ द एवव केसेस हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द वन एट द लोअर टेम्परेचर। सो जैसा आपने यहां पे देखा दोनों ही एग्जाम्पल्स में, इफ यू वॉन्ट टू पास अ बुक टू योर फ्रेंड सिटिंग अ फ्यू डेक्स अवे फ्रॉम यू, यू कैन डू इट इन अ फॉलोइंग थ्री वेज। सो आप क्लास में बैठे हैं और आप बैठे हैं बिल्कुल राइट कॉर्नर पे और आपका फ्रेंड बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे बैठा है, ओके, एंड देयर आर फोर रोज इन योर क्लास, ओके। सो और अगर आपको आपके फ्रेंड को आपकी बुक ट्रांसफर करनी है, पास करनी है, तो आप तीन तरीके से पास कर सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वे टू पास? पास द बुक थ्रू अदर चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। सो अगर आप राइट में बैठे हैं तो आपके ठीक लेफ्ट में जो भी बच्चा बैठा है आप उसको पास करिए, फिर वो उसके लेफ्ट में पास करेगा और फिर वो बुक जो है वो सबसे जो लेफ्ट कॉर्नर पर बच्चा बैठा है उसके पास चली जाएगी। सो वन बाय वन यू आर ट्रांसफरिंग द बुक। नेक्स्ट इज गो एंड हैंड ओवर द बुक टू योर फ्रेंड योर सेल्फ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप अपनी सीट से उठे और आपने पूरा लेफ्ट कॉर्नर तक गए और आपने वहां पे अपने फ्रेंड को बुक हैंड ओवर कर दी। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं आजकल बुक ट्रांसफर करने के लिए स्कूल में, एंड दैट इज थ्रो द बुक टूवर्ड्स योर फ्रेंड।
पेन पेंसिल या बुक जो भी है वो आप अपने फ्रेंड को थ्रो करके दे सकते हैं. सो सिमिलरली एज देयर आर थ्री वेज ऑफ पासिंग द बुक ओके सिमिलरली द हीट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द थ्री वेज. सो हीट कौन से तीन तरीके से ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. सो देयर इज वन एक्टिविटी गिवन टू शो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो द सबसे पहला जो हीट ट्रांसफर का तरीका हम पढ़ रहे हैं दैट इज द कंडक्शन. सो टेक एन आयरन रॉड अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो आपको एक आयरन रॉड लेनी है 25 सेंटीमीटर लेंथ. फिक्स द थंब टैक्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड्स यूजिंग द वैक्स. तो आपको यहाँ पे नेल्स लेने हैं ओके या फिर थंब टैग्स ले लीजिए कुछ भी. और आपको इस आयरन रॉड में वैक्स की मदद से, जैसे आप कैंडल लेते हैं ना और उसकी जो वैक्स है जब वो पिघल जाती है तो उसके ऊपर आप कैंडल रख देते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई होता है तो कैंडल स्टिक हो जाता है. सो सिमिलरली आपको क्या करना है, वैक्स को मेल्ट करना है और इस नेल पे लगाना है और फिर इसको स्टिक कर देना है आपको, ठीक है, इन दिस लॉन्ग रॉड ओके. सो हियर आर सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5 बेसिकली 5 जो थंब टैग्स हैं वो अटैच किए गए हैं इस रॉड से विद द हेल्प ऑफ द वैक्स. नाउ हीट वन एंड ऑफ द रॉड एंड व्हाट डू यू सी. और आपको अब क्या करना है, सिर्फ इस वाले एंड को हीट करना है और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है. एज द रॉड गेट हीटेड द वैक्स मेल्ट्स एंड द थंब टैग्स फॉल ऑफ. सो जैसे जैसे रॉड गर्म होगा धीरे धीरे करके, तो सबसे पहला जो सबसे पास उसके थंब टैग है वो गिरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके सारे थंब टैग्स एक एक करके गिर जाएंगे. और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वैक्स जिससे आपने इसको अटैच किया था वो वैक्स मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो जो आपके थंब टैग्स हैं वो अपने आप ही नीचे गिरने लगेंगे. तो जो थंब टैग सबसे पास है वो सबसे पहले गिरेगा और जो थंब टैग सबसे दूर है वो सबसे बाद में गिरेगा. सो व्हाई डज इट सो. द अबव एक्टिविटी शोज दैट द हीट इज ट्रेवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्ड एंड. सो इसका मतलब अगर थंब टैग, पहला थंब टैग सबसे पहले गिरा है जो कि कैंडल के बिल्कुल पास है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो हीट कंडक्ट हुई है या ट्रांसफर हुई है वो सबसे पास वाले थंब टैग को हुई है. फिर उसके बाद जो हीट है वो धीरे धीरे सेकेंड थंब टैग तक पहुंचती है, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ थंब टैग तक. सो इसका मतलब जो हीट है वो यहां से यहां की तरफ फ्लो हो रही है एंड दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट. और इसी मेथड को, इसी प्रोसेस जो है जिससे कि हीट कंडक्ट हो रही है फ्रॉम दिस एंड टू द दिस एंड, इसी को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट. सो इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो एंड आप यहां पे गर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कैंडल, ठीक है, वो एंड जो है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, और यहां पे क्योंकि वो एंड जो है वहां पे कोई कैंडल नहीं है तो वहां का टेम्परेचर लो है. सो इसका मतलब जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर जहां, जो कि ये वाला एंड है, यहां से हमेशा फ्लो होती है टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर ओके. और ये जो मेथड है जिसके थ्रू ये हीट कंडक्ट होती है From one end to the another, इसको हम कहते हैं conduction of heat. So recall that the molecule of a substance start vibrating faster as the heat is supplied to it. So आपको मैंने last chapter में भी बताया था कि जब भी किसी substance को गर्म करते हैं तो उनके particles जो होते हैं उनको energy मिल जाती है and due to that energy they start vibrating. Okay? And when one end of the rod is heated, the molecule at that end start vibrating faster. तो क्योंकि हम ये वाला एंड जो है यहां पर हम इस रॉड को हीट कर रहे हैं, सो क्योंकि हीट जो है वो यहां के पार्टिकल्स को मिल रही है तो यहां के पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे पहले वाइब्रेट करना शुरू करेंगे ओके. सो मान लीजिए कि यहां पे ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, बिकॉज इट्स अ सॉलिड तो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है. सो जैसे इनको एनर्जी मिलेगी तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सपोज ये पार्टिकल है तो ये इधर भी वाइब्रेट करेगा, फिर ये इधर भी वाइब्रेट करेगा, लाइक दिस दे आर वाइब्रेटिंग ओके. सो जब वो वाइब्रेट करेंगे तो दे कोलाइड विद द अनदर पार्टिकल, और जब वो कोलाइड करेंगे अनदर पार्टिकल के संग तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देंगे ओके. सो बेसिकली इन दिस मेथड द पार्टिकल विच हैज द हायर एनर्जी, और वो एनर्जी क्यों आई है उसमें, ड्यू टू द हीट ओके. आप उसको हीट कर रहे हैं इसके चलते उसमें एनर्जी आई है, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट
कोलाइड्स विद द अनदर पार्टिकल एंड इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द अनदर पार्टिकल, तो वो दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और जब दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो तीसरे के संग कोलाइड करेगा, और फिर उस वक्त वो अपनी एनर्जी को तीसरे को ट्रांसफर कर देगा, और ऐसे करके यहां से यहां जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, जो हीट है वो ट्रांसफर होता है. So when one end of the rod is heated, the molecule at that end start vibrating faster. They hit the nearby molecule and make them vibrate. तो जैसे ही वो अपने बगल वाले पार्टिकल को हिट करेंगे, उसके संग कोलाइड करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देंगे और वहां पे वो वाइब्रेट, वो वाला पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा. एंड दीज मॉलिक्यूल्स गेन द हिट द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और फिर ये मॉलिक्यूल्स जिनको एनर्जी मिली है वो इस वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और फिर वो नेक्स्ट के संग कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफर करेंगे. सो इन दिस वे द वाइब्रेशन एंड हेंस द हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. सो इस वे में यहां पर जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. सो आपको मैंने अभी बताया था कि जो बुक्स को ट्रांसफर करने के तीन तरीके हैं. सबसे पहला तरीका कौन सा था कि जो राइट में सबसे बच्चा बैठा है वो अपने लेफ्ट वाले को देगा, फिर वो अपने लेफ्ट वाले को देगा, और सबसे लास्ट में जो लेफ्ट कॉर्नर में बैठा है उसके पास वो बुक पहुंच जाएगी. सो ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं कंडक्शन, ये वही मेथड है. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हीट इस पार्टिकल को मिलती है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करता है, फिर ये तीसरे को, फिर चौथे को, और फिर ऐसे ऐसे करके जो हीट है वो यहां से यहां तक कंडक्ट होती है. एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज द कंडक्शन ऑफ हीट. सो कंपेयर दिस टू पासिंग ऑफ अ बुक फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, डू यू फाइंड द सिमिलैरिटी, है ना. सो इस तरीके को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट. सो व्हाट इज कंडक्शन, सो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर. सो यहां पे जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे ट्रांसफर हो पा रही है, वहां पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रेवल कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहा है वहां पे, ठीक है, फ्रॉम हॉट एंड टूवर्ड्स द कोल्ड एंड. और आपको पता है कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, तो जो हॉट एंड है वहां से जो पार्टिकल है वो एनर्जी गेन करेगा और फिर वो दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा. तो इस ढंग से जो हीट है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड तक ट्रांसफर करती है. एंड द मॉलिक्यूल देमसेल्व्स डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू द अनदर. और यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ट्रेवल नहीं करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक. अब ये अगर समझाना हो मुझे आपको, सो अभी जो आपने मेथड पढ़ा उसमें क्या था कि ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के जो कि टाइटली पैक्ड हैं, ओके. सो यहां पे मैंने कैंडल रखा है. सो उससे क्या हो रहा है, इस वाले पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है, ये वाला जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे रहा है, इट्स स्टार्ट मूविंग, और इसके कारण जो यहां पे ये वाला जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये इससे कोलाइड करता है, एंड व्हेन इट कोलाइड इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू दिस, देन दिस स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुंच जाता है. सो यहां पर क्या है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर हो रही है, और इस ढंग से जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक पहुंच रही है. बट यहां पर अभी दूसरा मेथड क्या पढ़ा था हमने हीट ट्रांसफर का, उसमें क्या था कि वो बच्चा अपनी सीट से उठे और जाके सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जो बच्चा है उसको अपनी बुक देके आ जाए. सो यहां पर जब कंडक्शन होता है तो यहां पर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है हीट. ऐसा नहीं है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये सीधा यहां से यहां जाता है और सबसे एंड वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करके आ जाता है, ओके. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. यहां पर कंडक्शन में जो पार्टिकल है, जो हीट है बेसिकली, वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, और जब ऐसे हीट ट्रांसफर होती है तो इसी को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए देयर आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड. सो अगर हीट ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर बाय द कंडक्शन ओनली, सो उस केस में पहला कंडीशन क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट है उनको कॉन्टेक्ट में होना पड़ेगा, तभी जाके हीट ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर. वो बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी सुनी है आपने, कि जो बीरबल है उसकी आग बहुत नीचे थी और उसने जो खिचड़ी पका रहा था जो बर्तन था वो बहुत ऊपर था, है ना. तो क्या उस केस में जो उसकी खिचड़ी है वो पक पाती, ऑब्वियसली नॉट, है ना. सो सिमिलरली जब हीट को ट्रांसफर करना है तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा, और जो टेम्परेचर है आर नॉट द सेम,
तो अभी मैंने बताया हीट के ट्रांसफर होने के लिए हीट हमेशा ट्रांसफर करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर सेम है तो वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स ऑफ हीट. ओके, सो एज यू ऑल नो कंडक्शन मीन्स जो कि कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सो कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं. और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते. फॉर दैट वी हैव टू डू एन एक्टिविटी टू चेक कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो अपने थ्रू हीट पास होने देते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिनके थ्रू हीट पास नहीं होती है या हीट ट्रांसफर नहीं होती है. सो टेक सम हॉट वाटर इन अ टम्बलर. फिर से एक ग्लास लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है आपको, बॉइल्ड वाटर बेसिकली. नाउ टेक अ स्टील स्पून, एक स्टील स्पून ले लीजिए, चम्मच जो आपने पहले एक्सपेरिमेंट में भी ली थी. फिर एक ग्लास रॉड ले लीजिए. ओके, फिर एक प्लास्टिक का स्केल ले सकते हैं, एक वुडन स्टिक ले सकते हैं एंड अ पीस ऑफ थिक कॉपर वायर. आपके घर में अगर कोई कॉपर वायर हो तो आप वो भी ले सकते हैं. और इन सब को उस जो हॉट वाटर जो आपने लिया है ग्लास में, उसमें आपको डिप करना है और थोड़ी देर के लिए यू हैव टू वेट. ओके, सो आफ्टर 2 to 3 minutes आप ये देखेंगे जब आप इन सब के एक एंड तो पानी में है, जब दूसरे एंड को आप टच करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस का जो दूसरा एंड है वो आपको हॉट लगेगा, बट कुछ सब्सटेंस का जो दूसरा एंड है वो आपको हॉट नहीं लगेगा. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू बी कंडक्टेड मीन्स वो मटेरियल जो अपने थ्रू हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं. Through them easily are called the good conductors of the heat. उनको good conductor कहा जाता है. So जितने भी metals होते हैं basically, they have a property, they allow the heat to pass through them easily. Like iron, copper, silver, aluminium, they are all the good conductor of heat. So ज्यादातर metal good conductor ही होते हैं heat के. Now the glass allow very little heat to flow through it. Glass है जो आपका scale है, ठीक है, plastic scale. इनके थ्रू बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होती, ये गर्म नहीं होते हैं. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू कंडक्ट थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो जिनके थ्रू हीट फ्लो नहीं हो सकती, जो अपने थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होने देते, उनको बैड कंडक्टर्स कहते हैं हीट का. और उनको दूसरा नाम जो दिया जाता है, दैट इज द इंसुलेटर ऑफ हीट. ओके, लाइक वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास, दे आर द इंसुलेटर्स ऑफ हीट. सो कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू वो मटेरियल्स जो कि अपने थ्रू हीट को फ्लो होने देते हैं इजिली, सो दे आर कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर ऑफ हीट. और जो अपने थ्रू हीट को फ्लो नहीं होने देते हैं, दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स ऑफ हीट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटी 4 टू शो वॉटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, सो वॉटर बैड कंडक्टर होता है हीट का, डू यू थिंक सो? जनरली हमें ऐसा ही लगता है कि यार पानी हम जब गर्म करते हैं तो पानी तो इजिली गर्म हो जाता है, सो बैड कंडक्टर कैसे है वो हीट का? सो उसके लिए वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. ओके, सो हाफ फिल अ टेस्ट ट्यूब विद द कोल्ड वाटर. आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको आधा ठंडे पानी से भरना है एंड रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गॉज. ठीक है, तो आपको एक आइस का टुकड़ा लेना है और उसको वायर गॉज, अगर मैं वायर गॉज की बात बताऊं तो बेसिकली जो गॉज होता है वो पट्टियां होती है ना, जो जाली जैसी होती हैं. ठीक है, सो तो वो वहां पर वो कॉटन से बनाया जाता है, बट जो वायर का गॉज होता है, ठीक है, उससे आपको आइस को कवर करना है अच्छे से एंड ड्रॉप इट इन द ट्यूब. व्हाई वी हैव टू डू सो? बिकॉज क्योंकि अगर आप आइस को देखा होगा आपने, जब आप आइस को पानी में डालते हैं तो उसकी लेस डेंसिटी के कारण वो फ्लोट होता रहता है ऊपर ही. जब आप उसको वायर गॉज से कवर कर देंगे तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी और फिर वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा. इट विल सिंक टू द बॉटम. नाउ हीट द टॉप एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अब आपको क्या करना है, नीचे से गर्म नहीं करना, आपको ऊपर से गर्म करना है. ठीक है, तो जब आप यहां से गर्म करेंगे तो हीट कंडक्ट होनी चाहिए और हीट कंडक्ट होने के कारण जो आइस है वो मेल्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वाटर जो है हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. सो द वॉटर सून बिगन टू बॉयल एट द टॉप बट द आइस बिलो इज स्टिल नॉट फुल्ली मेल्टेड. सो आप देखेंगे जब आप यहां से हीट करते हैं तो यहां पे जो पानी है वो तो बॉयल होने लगता है, बट जो हीट है वो जो आपकी आइस है वो अभी भी मेल्ट नहीं हुई है. सो हाउ इज इट पॉसिबल? है ना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहां पे जो हीट कर रहे हैं वो हीट यहीं पर ही है. ठीक है, वो यहां से इधर की तरफ कंडक्ट ही नहीं हो रही,
क्योंकि अगर कंडक्ट होगी तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से जो आइस है वो मेल्ट होगी. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि वाटर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इट डज नॉट easily conduct the heat from top to bottom of the test tube. And the very important thing which you have to keep in mind is that कि what जब आप पानी को ऊपर से गर्म करते हैं तो जो वहां पर जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होती है. बट जब आपने चाय बनाते वक्त पानी को गर्म करा होगा तो आप देखना हमेशा आप उसको बॉटम से गर्म करते हैं तो बॉटम से ऊपर की तरफ हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफर करती है बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम हीट ट्रांसफर नहीं करती है. सो मोस्ट द लिक्विड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ज्यादातर लिक्विड बैड कंडक्टर होते हैं हीट के. एंड द नोटिसेबल एक्सेप्शन इज द मर्क्यूरी. बट देयर इज वन एक्सेप्शन विच इज नोन एज द मर्क्यूरी. क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो हीट कंडक्ट करता है. ये कैसे पता चलता है हमें? थर्मोमीटर जो होता है थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज होता है. ठीक है, वो मर्क्यूरी ही एक्सपेंड करता है जो कि लास्ट चैप्टर में आपको बताया गया था. जब वो मर्क्यूरी एक्सपैंड करता है तो उसके मर्क्यूरी कैसे एक्सपैंड करता है? ड्यू टू द हीट. ओके, सो इसका मतलब मर्क्यूरी कंडक्ट्स द हीट. सो मर्क्यूरी इज द एक्सेप्शन. ओके, अदर देन मेनी लिक्विड्स जो होते हैं वो हीट कंडक्ट नहीं करते. एंड ऑल द गैसेज इंक्लूडिंग द एयर आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और जितनी भी गैसेज होती हैं इंक्लूडिंग द एयर, ठीक है, वो कोई भी हीट को कंडक्ट नहीं करती. सो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है हीट का दे आर द सॉलिड्स. ओके, जो लिक्विड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं एंड द गैसेज ऑल्सो आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ द गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो कुछ चीजें गुड कंडक्टर हैं, कुछ चीजें बैड कंडक्टर हैं. सो हाउ दे आर यूजफुल टू अस. सो वी यूज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एवर वी वॉन्ट द हीट टू बी ट्रांसफर फास्ट. सो कहीं भी जहां पे भी हम चाहते हैं कि हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाए सो वहां पे हमें वो सब्सटेंस यूज करना है जो कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट का. जैसे जब आप खाना बनाते हैं और आप उसको गैस स्टोव पे रखते हैं तो आपका क्या पर्पस है वहां पे? खाना जल्दी पक जाए. और खाना पकाने के लिए यू हैव टू गिव अ हीट टू इट. तो अगर हीट जल्दी ट्रांसफर नहीं होगी तो उस केस में आप जल्दी से खाना कुक नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो ऐसे मेटल्स के बनाए जाते हैं जो कि इजिली हीट को कंडक्ट कर सके. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट जिसके चलते आप खाने को अच्छे से पका सकें जल्दी, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द एनर्जी. सो अभी आपको बताया था जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर ऑल कंसीडर्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. बट जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है दैट इज द सिल्वर एंड कॉपर. ठीक है, सबसे अच्छा जो हीट कंडक्ट करते हैं वो सिल्वर और कॉपर होते हैं. दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सो कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो जनरली इन मेटल्स से नहीं बनाए जाते, सिल्वर और कॉपर से. क्योंकि सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कॉस्टली होते हैं तो खाने के जो बर्तन हैं वो बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे. एवरीबडी कांट अफोर्ड इट. सो दैट्स वाई कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो सिल्वर और कॉपर से नहीं बनाए जाते तो वो दूसरे मेटल से बनाए जाते हैं बेसिकली, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. नेक्स्ट इज वी यूज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एवर वी डू नॉट वॉन्ट द हीट टू ट्रांसफर क्विकली. और बैड कंडक्टर ऑफ हीट हम कहां यूज करते हैं? जहां पे हम चाहते ही नहीं कि हीट ट्रांसफर हो. ठीक है, और द प्लेसेज वेयर वी डू नॉट वॉन्ट हीट टू बी लॉस्ट और गेन्ड. ठीक है, या फिर ऐसी जगहों पर जहां पे हम नहीं चाहते कि जो हीट है वो लॉस हो या फिर गेन हो फ्रॉम द सराउंडिंग. क्योंकि जब भी मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप किसी चीज को जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी. तो जैसे आपने कोई पानी गर्म किया, ठीक है, और आप उस चाहते हैं कि वो पानी बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहे, सो उसके लिए एक मेथड ये है कि आप उसको किसी ऐसे सब्सटेंस में, ठीक है, किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें कि जो हीट है वो लॉस नहीं हो पाए टू द सराउंडिंग. ठीक है, और अगर आप किसी चीज को ठंडा रखना चाहते हैं तो आप ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपने ठंडा पानी लिया है और आप उसको देखिए रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडा पानी गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है आपका कोल्ड वाटर उसका टेम्परेचर कम है, आपके एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो हीट है वो आपके एटमोस्फेयर से आपके पानी में एंटर करती है और धीरे धीरे आपका जो पानी है वो रूम टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है. सो अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा पानी जल्दी गर्म हो तो मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसे सब्सटेंस में रखना है जिसमें कि हीट कंडक्ट ही नहीं होती हो, ना अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए. ओके, सो जनरली जो हैंडल्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, हम वो नहीं चाहते गर्म हो ताकि हम उनको इजिली एक जगह से दूसरी जगह रख पाए वाइल कुकिंग.
सो इसीलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट से बनाए जाते हैं. तो जनरली जो हैंडल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक वुड, ओके, क्योंकि ये हीट कंडक्ट नहीं करते, तो इसीलिए वाइल कुकिंग वो गर्म नहीं होते हैं. एंड दे डू नॉट गेट हीटेड वाइल कुकिंग एंड कैन बी हेल्ड कंफर्टेबली. सो वहां पे हम ये नहीं चाहते कि जो सब्सटेंस है, जो हमारा हैंडल है कुकिंग यूटेंसिल का, वो गर्म हो. तो वहां पे आपको बैड कंडक्टर ऑफ हीट से वो जो भी सब्सटेंस जो कि हीट अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकता, उससे आपको वो हैंडल बनाना है. सिमिलरली द जूट एंड सॉडस्ट आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट. वी कवर आइस विद द जूट क्लॉथ और अ सॉडस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग द हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड द मेल्टिंग. ओके, सो जैसा अभी आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट जो वुड होती है या जो प्लास्टिक होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो जनरली जो जूट होता है, ठीक है, जूट कहां से मिलता है आपको? प्लांट से, ठीक है. सो जूट जो होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सिमिलरली जो सॉडस्ट होता है मतलब वुड का डस्ट, ठीक है, तो वुड जो है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो जूट और सॉडस्ट क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है इसीलिए उनको यूज किया जाता है टू कवर द आइस, ठीक है, क्योंकि जब आप आइस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं यू डोंट वांट इट टू बी मेल्टेड. सो आइस मेल्ट कब होगी? क्योंकि आइस का टेम्परेचर बहुत लो होता है, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो आइस मेल्ट कब होगी? जब सराउंडिंग से हीट जो है वो फ्लो हो टू द आइस, ठीक है. तो आइस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसके कारण वो मेल्ट होती जाएगी. सो जब भी आप उसको जूट क्लॉथ या सॉडस्ट से कवर कर देते हैं तो वहां पर जो आइस है वो सराउंडिंग से जो हीट है वो गेन नहीं करती है, ठीक है. मतलब जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर ट्रेवल नहीं करता है, और उस केस में आप प्रिवेंट कर सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज द रेफ्रिजरेटर्स हैव अ डबल वॉल विथ अ स्पेस इनसाइड फिल्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटीरियल. रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका उसमें दो वॉल्स होती हैं और उन दोनों वॉल्स के बीच में बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है. इंसुलेटिंग मींस इंसुलेटर्स, ठीक है, विच डू नॉट कंडक्ट द हीट, मतलब जिनके थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो सके. तो रेफ्रिजरेटर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारी चीजें जो हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे रहें और जल्दी खराब ना हो. सो अगर बाहर का टेम्परेचर, गर्मियों में जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सो अगर हीट आपके बाहर से रेफ्रिजरेटर में एंटर कर जाती है सो उस केस में आपके रेफ्रिजरेटर को लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होगा. सो इसीलिए जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो डबल वॉल के बनाए जाते हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटीरियल भरा जाता है ताकि जो हीट है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाए. और इसीलिए जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जो है आपका, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके. नेक्स्ट, इन विंटर यू वियर द वूलन क्लोथ्स एंड इफ यू कंपेयर देम विद द कॉटन क्लोथ्स यू विल फाइंड दैट द वूल फाइबर्स हैव द मच मोर स्पेस बिटवीन देम. दे गेट फिल्ड विद द एयर एंड विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो जनरली आप ठंड में से बचने के लिए हमेशा वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है. सो वाई यू वियर वूलन क्लोथ्स? जो क्योंकि जो वूल होता है वो बेसिकली आपका जो एयर है उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है. और जो एयर है, अभी आपने पढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी गैसेज होते हैं इंक्लूडिंग द एयर आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है. सो जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का और इसीलिए वो हीट को ट्रांसफर नहीं करने देता, ठीक है, आपके बॉडी से सराउंडिंग में. आपको ठंड कब लगेगी? आपको ठंड तब लगेगी जब आपके बॉडी से हीट का लॉस हो. और आपके बॉडी से हीट का लॉस क्यों होगा? क्योंकि ठंड के टाइम में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है. सो अभी हमने देखा कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर करती है, फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, मतलब आपके बॉडी से वो निकल के सराउंडिंग में जाएगी. तो जब आपकी बॉडी से हीट का लॉस होगा तो आपको ठंडा फील होगा. बट एज एंड व्हेन यू वियर द वूलन क्लोथ्स तो वहां पे वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर ट्रैप करने के कारण एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ योर बॉडी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. और इसीलिए आपको, आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए यू वियर द वूलन क्लोथ्स. ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड नाइट टू थिनर ब्लैंकेट्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर आर मोर इफेक्टिव इन कीपिंग यू वार्म देन द वन ब्लैंकेट ऑफ द डबल द थिकनेस. सो जब ज्यादा ठंड होती है तो देर आर टू ऑप्शन. एक तो मैं बहुत मोटी रजाई लू, ठीक है, या ब्लैंकेट, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं दो पतले पतले ब्लैंकेट्स लू. सो किस केस में?
जो आपको ज्यादा गर्म फील होगा, ठीक है, जब ठंड बहुत ज्यादा है। सो अगर मैं सिर्फ एक ही ब्लैंकेट लेती हूँ बहुत मोटे थिकनेस का, तो वहां पर क्या है कि उतनी ज्यादा एयर ट्रैप नहीं हो पाएगी, ओके, ड्यू टू इन दैट ब्लैंकेट। बट इफ आई एम टेकिंग द टू ब्लैंकेट्स, तो उसमें क्या होगा, दो ब्लैंकेट्स के बीच में एयर इजिली ट्रैप हो जाएगी, और एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो इसीलिए वो जो दो ब्लैंकेट्स हैं उनके थ्रू हीट का एस्केप करना ज्यादा मुश्किल होगा, और इसीलिए आपको ज्यादा गर्म रखेगा वो दो ब्लैंकेट एज कम्पेयर टू द वन ब्लैंकेट, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो एयर है वो दो ब्लैंकेट्स में ट्रैप हो सकती है। This is because the layer of the air trapped between the thinner blanket gives the additional insulation and protects from the cold. So this is it about this video. So in this video we have covered the topic conduction, and in the next video I am going to share the topic convection and the radiation. And if you like the video, please press the like button, share it with your friends, okay, and subscribe to the channel for more further videos. And I will meet you in the next video. Goodbye. Take care.